मैं अब आगे धन्यवाद ज्ञापन के लिए, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार राम जी को यहाँ पर बुला रहा हूँ। धन्यवाद द्विवेदी जी। ये दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का ये समापन सत्र है और इस समापन सत्र में हमारे बीच जो वक्ता रहे हैं आप सब लोगों ने उनको सुना है, मैं उनके वक्तव्य को यहाँ पर दोहराना नहीं चाहूँगा। वो संक्षेप में मैं धन्यवाद ज्ञापन आप सबके सामने रखूँगा। हमारे पहले वक्ता डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र, जिनको आपने सुना, आप उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ जनसंपर्क अधिकारी के रूप में आप वहाँ पर कार्य करते हैं और उनके वक्तव्य से आपको लगा भी होगा, वो गुरुमत साहित्य के विद्वान नहीं थे और हिंदी का जो भक्ति साहित्य है उसको उस रूप में वो नहीं रख सकते थे जिस तरह की मिश्रा सर ने रखा या द्विवेदी जी ने रखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित जो कवि हैं उनका परिचय दिया, उनके कविताओं की जो वैचारिकी है उस पर उन्होंने चर्चा की, उनकी कविताओं में जो भक्ति का मर्म है उस पर उन्होंने बात की। महत्वपूर्ण वक्तव्य था, मैं इसके लिए मैं सर का बहुत आभारी हूँ। विभाग की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे दूसरे जो वक्ता श्रीमती जगदीत कौर अहलूवालिया जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में हैं। आपने अपने वक्तव्य में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित जो गुरुवाणी है उसका जो महात्म्य है उस पर आपने चर्चा की और सबसे बड़ी बात आपके वक्तव्य का रहा कि आपने हिंदी का जो भक्ति साहित्य है और गुरुमत का जो भक्ति साहित्य है उसके जो अंतः संबंध हैं जिस पर चर्चा द्विवेदी जी ने किया, किस पक्ष को पहले के वक्ताओं ने छोड़ दिया था, तो आपने बखूबी जो उसके अंतः संबंध है उस पर आपने चर्चा की। साथ ही साथ जो गुरु ग्रंथ साहित्य में संकलित जो गुरु रहे हैं उनके उनका जो जीवन है, उनका जो जीवन संघर्ष है उस पर भी आपने चर्चा की। महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को मिली कि गुरुओं का जीवन कैसा था, उनका संघर्ष कैसा था और सब कुछ करते हुए उन्होंने कैसे देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए अपनी कविता में वह जगह बनाते हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ मैडम के प्रति और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और हम लोगों के बीच में अपना वक्तव्य दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृत विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर मिसिला सर, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं, उनके वक्तव्यों से आप वाकिफ हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं और आपकी जो चर्चा होती है वह तर्क के साथ, प्रमाण के साथ होता है। आपने भक्ति का जो मर्म है उसमें जो छुपा हुआ रहस्य है, उसकी जो चेतना है उस पर विस्तार से चर्चा की। शायद समय और होता, कुछ और बातें हम सबके सामने रखते हैं, मैं उनको हम आगे हम लोगों को सुनेंगे फिर कभी। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए साथ साथ इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए मैं सर के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नीलम सिंह, हम लोगों ने बहुत उनसे आग्रह किया था कि यह कार्यक्रम का संयोजन आप करें, बड़े संकोच में उन्होंने इसको स्वीकार किया और स्वीकार किया तो बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर ढंग से उसका निर्वहन किया। मैं संयोजन के लिए उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संचालन राकेश द्विवेदी जी कर रहे हैं और आप देख रहे थे उनके संचालन का तरीका, उनका जो उनकी जो विशेषता होती है उस विशेषता के साथ इस कार्यक्रम का संचालन बेहतर तरीके से उसका संचालन कर रहे थे। तो मैं इस बेहतरीन संचालन के लिए द्विवेदी जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे विभागीय सहयोगी प्रोफेसर समीर कुमार पाठक, आप कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी था उसके सूत्रधार, जिसका उल्लेख शुरुआत में बिस्मौली ने किया था, तो उसके सूत्रधार थे और हम लोगों ने जैसा हम लोगों को निर्देश दिया गया था, जैसा हम लोगों को करने के लिए कहा गया था उनके साथ साथ हम लोग उसको कर रहे थे।
तो उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर अस्मिता तिवारी, डॉक्टर अभी समौली, आप सबकी भूमिका भी इस संगोष्ठी में उतनी ही रही जितनी की हमारी थी, जितनी की द्विवेदी जी की थी, जितनी की नीलम जी की थी। तो मैं इस सहभागिता के लिए आप दोनों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महाविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण जो विभिन्न विभागों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं नाम, चूँकि यह काम मिसिला सर ने कर दिया है, सबका नाम उन्होंने ले लिया है, मैं उसको दोहरा करके समय और जाया नहीं करना चाहूँगा। तो आप लोगों ने भी इस धैर्य के साथ आपने यह जो वक्तव्य था आप सब लोगों ने सुना, मैं इसके लिए अपने विभाग की तरफ से, अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे प्रतिभागी जो दोनों सत्रों में सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पर उपस्थित रहे, और इससे पहले के सत्र में कुछ प्रतिभागियों ने अपने विचार को भी गुरुमत साहित्य और भक्ति साहित्य पर रखा, तो इस उपस्थिति के लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम की सफलता में जितना हम सब शिक्षक की भूमिका होती है, उतना ही जो हमारे विद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी हैं उनकी भी होती है। बहुत सारे कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे उनकी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका होती है, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ जो शेष विद्यार्थी हैं जो किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन यहाँ पर किया, चाहे श्रोता के रूप में, चाहे हम लोगों के साथ रह करके जो कार्यक्रम था, कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी, तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम सही से संचालित हो सके, किसी तरह का व्यवधान न आए, कॉलेज का जो प्रैक्टोरियल बोर्ड है मैं उसके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, मिश्रा जी उसके चीफ प्रैक्टर हैं, तो मुस्तैदी के साथ उन्होंने इस चीज़ों को देखा, तो मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम शुरुआत में जो हम लोगों ने सोचा था जैसा होना चाहिए था, करीब करीब, पूरा तो नहीं कहेंगे, करीब करीब हम लोगों ने उस उद्देश्य को प्राप्त किया है। कुछ चीज़ें छूटी हैं, आगे हम लोग कोई और अवसर मिलेगा, कोई और कार्यक्रम होगा तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ यह धन्यवाद ज्ञापन का जो औपचारिक क्रम है वो समाप्त होता है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। इस प्रकार से पंजाब के 5 नदियों के जल और काशी के गंगा जल के समागम के साथ यह संगोष्ठी परिपूर्ण हुई। इस संगोष्ठी ने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया, और पंजाब वह जगह है जहां ऋग्वेद के शुरुआती मंडल भी लिखे गए, इतिहास के विद्वान यहां बैठे हैं। पंजाब हमेशा से बहुत ही, आज भी कृषि में भी बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत ही उर्वर रहा है पंजाब राजस्थान, तो वह उर्वरता आज भी है। यह संगोष्ठी इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विमर्शों के साथ, इसी समागम के साथ परिपूर्ण होती है। इस अंतिम बशीरभद्र के शेर के साथ की उजालों को आंखों में महफूज रखना, उजालों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।